नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, इफ्लू के नाम से काफी फेमस है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि आपको नाम से तो क्लियर लग रहा होगा कि यहाँ पर लैंग्वेज के कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या कोर्स का स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटी, कट ऑफ से रिलेटेड, यही सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इफ्लू एक पुरानी यूनिवर्सिटी है और लैंग्वेज के मामले में बात करें तो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहां पर आपको बीए ऑनर्स लैंग्वेज के कोर्सेज मिलेंगे। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको मिलेगा और जैसा नाम है इसका कि फॉरेन लैंग्वेज, तो फॉरेन लैंग्वेज भी आपको यहां पर मिलने वाली होंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इफ्लू के बारे में हम लोग सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। सबसे पहले, जैसे हम लोग हर एक वीडियो में आपको पहले कैंपस की एक झलक दिखाते हैं, तो वो देख लीजिए, थोड़े कैंपस के नजारे ले लीजिए। अब यहां पर आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज, इसकी लोकेशन हमने डाली हैदराबाद। वैसे इसकी यहाँ पर टोटल 3 लोकेशन है, लेकिन मेन कैंपस हैदराबाद है। शिलोंग और लखनऊ, इसके 2 कैंपस और भी हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, इसीलिए हमने लोकेशन हैदराबाद डाला है। ठीक है, चलिए। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1958 मतलब 1958 में यूनिवर्सिटी आपकी बनी है। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का रिजल्ट है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहां पर इसकी जो वेबसाइट है 2024 के एडमिशन वाली, वो मैंने यहां पर आपके लिए दे दिया। अब यहां पर देखिए, इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री ब्रीफ में हम लोग जान लें। तो सबसे पहली चीज, यहां पर ये 1958 में इसका नाम जो था उस समय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश था। तो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक विजन था कि जो है वो टीचरों को ट्रेन किया जाए अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसलिए इस सेंटर का यहां पर ये सेंटर बनाया गया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश 1958 में। उसके बाद यहां पर 1972 में इसका नाम जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज रख दिया गया। और 1973 में ही आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद 1973 में शिलोंग कैंपस खुला और लखनऊ कैंपस आपका 1979 में खुला यहां पर। उसके बाद यहां पर जो है वो इन्होंने 2018 में इनका इन्होंने डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया। 2000 में इन्होंने बताया कि इनको यहां पर जो है वो 5 स्टार की रेटिंग मिली। 2006 से 2007 में इनकी यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। और इनको यहां पर जो है वो फिर नैक की एक ग्रेड की इनको यहां पर क्रेडिट दी जाती है। तो यही ओवरऑल इनकी एक हिस्ट्री है, इनके बारे में आप इस तरीके से जान सकते हो। अब यहां पर हम लोग मेन बात करते हैं इनके कोर्सेज की। तो इनके अलग अलग कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज है वो ध्यान से देख लीजिए, और वहां पर कितने सीट्स अवेलेबल है वो भी देख लीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि एक तो आपको इंग्लिश मिलेगा और बाकी फॉरेन लैंग्वेज मिलेंगे। और यहां पर आपको कुछ जो है वो जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज और जर्नलिज्म का कोर्सेज भी यहां पर आपको मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, बीए ऑनर्स या रिसर्च लिख रहे हैं ये, इसका मतलब एनईपी से है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंप्लीमेंट की गई है उसके अंतर्गत ये बात आती है आपकी कि ऑनर्स और रिसर्च वाली बात है। इसके लिए मैं डिटेल्ड वीडियो आपको दिया हूं, आप देख सकते हो चैनल पे। मैं एक जनरल में बता देता हूं, बात ऐसी है कि अब ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वो 4 साल के हैं। यहां पर भी आपके जितने भी कोर्सेज हैं ये सब 4 साल के 8 सेमेस्टर के हैं। ठीक है, आपको यहां पर 2 डिग्री ऑफर की जा सकती है, एक तो ऑनर्स भी मिल सकता है, एक ऑनर्स विथ रिसर्च मिल सकता है। अब उसमें कंडीशंस होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी कंडीशंस होती हैं। और ऑनर्स विथ रिसर्च उनको मिलता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिसर्टेशन करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, उस पे जो है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है। बाकी बहुत डिटेलिंग बातें जो हैं वो आपको एनईपी को मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, कैसे आपके यूजी कोर्सेज का पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। उस वीडियो को आप देखेंगे, बहुत डिटेल मैंने सब कुछ समझाया है। मैं एक जनरल बात आपको यहाँ पे बता दिया, आपको यहां पर इंग्लिश के अलावा फॉरेन लैंग्वेज में अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्सियन, रशियन, स्पेनिश और इटालियन आपको यहां पर 10 के आसपास जो है यहां पर आपकी फॉरेन लैंग्वेज हैं वो यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, कितनी सीट्स हैं वो यहां पर आपके लिए जो है वो मेंशन है, आप देख सकते हो यहां पे। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर आपके शिलोंग के कैंपस में, तो यहां पर आपको इंग्लिश मिलेगा और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लखनऊ की, तो वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश मिलेगा और सिर्फ वहां पर आपके पास 20 सीट अवेलेबल होंगी। और एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अगर आप जब भी मतलब इसकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराओगे तो ध्यान देना, प्रोग्राम तो आप सेलेक्ट करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आपको कैंपस भी चूज करना होगा कि आप किस कैंपस के लिए यहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इनके सीयूईटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, दो प्रकार के रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट और दूसरा यहां पर इनका कोई भी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट। तो जितनी इनकी फॉरेन लैंग्वेज है उनके लिए जो सीयूईटी की मेरिट बनेगी वो कोई भी एक लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से बनेगी। अगर वो बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए होगा तो आपकी इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से बनेगी। आइए देख लेते हैं। हाँ, जर्नलिज्म और ये आपके बी ऑनर्स इंग्लिश, ऐसे टोटल चार कोर्सेज के लिए यहां पर जो है वो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगी। आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बी ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से बनेगी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से बनेगी ही बनेगी जैसा मैंने बताया। अब आप कोई भी अगर फॉरेन लैंग्वेज आपने उठा लिया तो सब में आप देखोगे तो एक ही बात है, कोई भी एक लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहां पर बन रही होगी। इसके अलावा देखो ये सारे फॉरेन लैंग्वेज है तो सब में एक क्राइटेरिया है, बी ऑनर्स परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के लिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, बी ऑनर्स डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यहां पर आपका इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट, और बी ऑनर्स फ्रेंच है तो कोई एक लैंग्वेज प्लस यहां पर जनरल टेस्ट आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, चार कोर्सेज हैं, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स मास वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एक डिजिटल कम्युनिकेशन और एक यहां पर आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, इसके लिए इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट और जितने भी फॉरेन लैंग्वेज हैं उनके लिए यहां पर आपका कोई भी लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट से आपकी मेरिट यहां पर बन रही होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर वही एनईपी वाली बात करें तो अगर आप पहले साल पे कोर्स को छोड़ दोगे तो यूजी का सर्टिफिकेट देंगे, दो साल पे छोड़ोगे तो डिप्लोमा दे देंगे, तीन साल पे छोड़ोगे तो बीए की डिग्री मिलेगी, चार साल पे कंप्लीट करने पे ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च दोनों में से एक यहां पर आपको ऑफर किया जाता है। अब वो यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी कंडीशन होती है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज कंडीशन लगाती हैं कि जिनका 7.5 सीजीपीए से ऊपर होगा उनको ये ऑफर करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि उसमें क्रेडिट्स भी जोड़े जाते हैं, आप डिसर्टेशन करते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट करते हो, बहुत चीजें हैं, एनईपी वाला वीडियो देखेंगे तो शायद आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें तो पहले सेमेस्टर के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहां पर 3815 रुपए की फीस है, एससी एसटी के लिए 2900 रुपए और 2045 रुपए आपके जो यहां पर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पर होगी। 2468 मतलब आपके इवन सेमेस्टर में की फीस ये होगी और ऑड सेमेस्टर की फीस आपकी ये रहने वाली। फीस बड़ी नॉमिनल है, सेम इनके हॉस्टल की फीस भी बड़ी नॉमिनल है, महीने का 225-250 रुपए के आसपास का जो शायद इनकी जो है वो क्या कहते हैं पर मंथ की इनके हॉस्टल की फीस है, और एक बार जो वो डिपॉजिट जो लिया जाता है वो शायद 1500 या 2500 रुपए का वो होता है, तो ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं इनके हॉस्टल्स के। चलिए अब इनके हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी में पहली चीज ये कहते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं जो हैदराबाद में रहते हैं, उनके अलावा सभी बच्चों को ये यहां पर हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं। यहां पर कहते हैं टोटल 5 हॉस्टल है इनके कैंपस में, हैदराबाद वाले कैंपस में, 3 जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, 1 मेन 2 वुमेन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ही कम है तो सीधी सी बात है ज्यादा हॉस्टल की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी भी नहीं। फॉरेनर्स के लिए यहां पर जो है वो 2 हॉस्टल है, 1 बॉयज और 1 गर्ल्स के लिए। यहां पर यूनिवर्सिटी के यहां पर कहते हैं कि 2 जगह है आप जहां पे खा सकते हो, 1 मेस और 1 कैंटीन। मेस की जो फीस होती है 2000 से लेकर 2500 रुपए पर मंथ तक आपकी वेरी करेगी, और कहते हैं वैरायटी ऑफ डिशेस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। नॉन वेज आइटम जो है वो आपको पूरे वीक में 3 मील मिलता है, जैसे पूरे वीक में 7 दिन होता है तो 14 मील होती है, 14 मील में से 3 मील आपको नॉन वेज मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। टोटल यहां पर ये आपके जो है वो 5 हॉस्टल के यहां पर नाम आपको दे दिए गए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कह रहा है भाई लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी है आउटसाइड द सिलोंग, मतलब यहां पर ये इनका कहना है कि हैदराबाद के अलावा बाकी कैंपसेस में आपको यहां पर जो है वो मतलब हैदराबाद के कैंपस की तो ये पूरी डिटेलिंग दे दी है, बाकी कैंपस में यह कह रहे हैं कि जैसे सिलोंग के बाहर की अगर आप बात करोगे तो यहां पर बहुत लिमिटेड यहां पर आपके हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि यहां पर जो हॉस्टल की फीस है, मैं चीज बहुत क्लियर कर दूं, हॉस्टल की फीस इन्होंने अपने
कहीं प्रोस्पेक्टस में वेबसाइट पे क्लियर नहीं दिया है। मैंने इनके मतलब इफ्लू के ही कुछ बच्चों के जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं तो वहीं से मैंने डेटा देखा है, तो उनका था कि 225 रुपए के आसपास का है पर मंथ, यहां पर आपके चार्जेस लगते हैं पर मंथ। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो कट ऑफ की अगर हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं तो कट ऑफ से रिलेटेड आपको एक बात मैं समझाना और बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा तब समझ में आएगी। पहली बात तो यूनिवर्सिटी कट ऑफ नहीं जारी करती है, यूनिवर्सिटी ये जारी करती है स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी करती है, उनका नाम दे देता है कि इन इनका एडमिशन हो रहा है। ठीक, अब यहां पर बात ऐसी है कि इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एक बात लिखा है, इन्होंने लिखा है बहुत क्लियर कि जो कट, इसीलिए मैंने स्नैप ले लिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि कट ऑफ मार्क्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के लिए, मतलब आप जो सीयूटी का एग्जाम दोगे उसके लिए इन्होंने यहां पर जो है वो एक कट ऑफ सेट किया है। वो कट ऑफ क्या है, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 50%, इसी में ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर 45%, ठीक है, और एससी एसटी और जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके लिए 30%, आपके सीयूटी के जो मार्क्स है उसका 50, 45 और 30%, ये इन्होंने कट ऑफ मार्क्स यहां पर बनाए हैं। अब बाकी इसका मतलब है कम से कम आपको इतना तो स्कोर करना ही होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इतना स्कोर कर दिया तो आपका एडमिशन श्योर है। अब इसके ऊपर मान लीजिए कि सपोज करिए 100 बच्चे हैं और सीट 40 है, तो जो उसमें से 40 बच्चे होंगे उनका यहां पर एडमिशन होगा, ऊपर से जो 40 बच्चे होंगे। ठीक है, अब लेकिन एक बात यहां पर ये भी आती है कि जैसे अगर हम लोग मान लें कि यहां पर लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट है तो 200 + 250 450 नंबर हो गया, 450 का अगर आधा कर देंगे तो 225 नंबर हो गया यहां पर, तो कम से कम 225 नंबर आपको यहां पर स्कोर करना होगा दोनों मिला के, ऐसा इनके प्रोस्पेक्टस में कही गई बात का मतलब यही है। अब मैं इस चीज पे क्लेम नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऐसा कहीं था नहीं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो नहीं बता सकता हूं। कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप भी ढूंढना चाहो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उन सब चीजों पे विश्वास हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनकी ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी डेटा उनसे रिलेटेड हम लोग यहां पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप सभी लोग यहां पर जो भी लैंग्वेज कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी यहां पर होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।